बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से, बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त, बैठक में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय किया गया है। दो डिप्टी पीएम के फॉर्मूले से सरकार, नीतीश को डिप्टी पीएम का ऑफर यहां पर, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और शिवम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, क्या जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से? कांग्रेस पार्टी लगातार भले ये दावा कर रही हो, अभी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रेस वार्ता करके ये दावा किया हो कि वो अभी सरकार बनाने को लेकर, विपक्ष में बैठने को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कल बैठक होगी और उसमें निर्णय होगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पॉलिटिक्स में जो सामने दिखता है वो होता नहीं है, जो पीछे चल रहा होता है वो घटनाक्रम महत्वपूर्ण होता है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें मिली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो चाणक्य है, जो सिरमौर चेहरे हैं, जिनकी स्वीकारता बहुत ज्यादा है, उन नेताओं ने तमाम अन्य दलों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि शरद पवार ने आज दिन में ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की, उनके सामने एक ऑफर रखा गया। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं शरद पवार ने ये फैसला अकेले नहीं लिया है, उन्होंने तमाम सहयोगियों से बात करके फैसला लिया है, ताकि कल की इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो उसमें इस पर फाइनल मोहर लग जाए। उसमें तमाम इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें भी तमाम जो इंडिया गठबंधन के लीडर्स आएंगे उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके जिससे नजदीकी संबंध है या जिसके साथ जो पहले सरकार में रहा है उसको जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अन्य दलों से बात करे। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला एक तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, डीएमके, ये ऐसी पार्टियां हैं जो बहुत भारी मार्जिन से जीत कर आई हैं, और इसीलिए बैकडोर में अब इंडिया गठबंधन ने तमाम अन्य सहयोगियों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर जीत तो लगभग अच्छी खासी यहाँ पर मार्जिन इंडिया गठबंधन की नजर आ रही है शिवम, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज अब इनके लिए फॉर्मूला सेट करना होगा और किसको कौन सा पोजीशन दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कल की मीटिंग काफी कुछ तय कर देगी इंडिया अलायंस की। देखिए, कल इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों की बैठक है, दोनों की बैठक में इसीलिए रखी गई है ताकि जो अपने सहयोगी दल है उनका, उनकी राय क्या है, उनका मत क्या है, उसको समझा जाए। इंडिया अलायंस ने जो कल बैठक रखी है वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों के नेता आएंगे। कौन से नेता हैं जो सरकार बनाने के प्रयास में है, कौन से नेता हैं, कितने नंबर जीते हैं, क्या एनडीए में कोई ऐसा दल है जो नाराज है अंदर ही?